पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह को कई लोग बिना मास्क के घूमते मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्टाफ और चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही लोगों को मास्क वितरित करने और उन्हें लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को बिना मास्क लगाकर सीएचसी पहुंचे लोगों का टीकाकरण करने के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण करने पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने सबसे पहले ओपीडी का निरीक्षण किया। वहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों को देखकर वो भड़क गईं। चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि अस्पताल में बिना मास्क लगाकर कोई आएगा तो उसे मास्क वितरित किए जाएं, उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। टीकाकरण सेंटर पर सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज कराने और टीकाकरण के बाद कर्मचारियों को भी हाथ सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएचसी में डिलीवरी को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। डिलीवरी के 24 से 48 घंटे तक सीएचसी में महिला को रोकना जरूरी है, लेकिन यहां तो डिलीवरी के कुछ समय बाद ही महिलाओं को घर भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी लापरवाही है। महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र सिंह को सभी अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। वो जागरूक नहीं है, अस्पताल के द्वारा भी लापरवाही की जा रही है कि उनको जागरूकता नहीं दी जा रही है कि आप मास्क लगाइए। और जो व्यवस्थाएं हैं, काम हो रहा है, लेकिन काम को जो एक सुचारू ढंग से करने की व्यवस्था होती है, अगर उस तरीके से किया जाए तो लोगों में एक जागरूकता भी फैलेगी और साथ में उनको एक चीज़ की अहमियत भी पता लगेगी। अगर मास्क नहीं है और आप टीकाकरण करवाने आ रहे हैं तो उसकी वजह से आप कोविड से नहीं बच सकते हैं। सबसे पहले आपको दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, बार बार हम लोग ये बात बोल रहे हैं। तो मास्क लगा के अगर आप आते हैं टीकाकरण करने, आकर यहाँ सैनिटाइज करते हैं, और जो सैनिटाइज कर रहे हैं, जो टीकाकरण कर रहे हैं, उनके पास भी सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से आए हुए व्यक्ति को जब टीकाकरण करते हैं उनके कपड़ों पे हाथ लगाते हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम बार बार सैनिटाइज करें चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और ये लोग मान भी रहे हैं। मेरा ऐसा इनको निर्देशन है कि आप अस्पताल में जो भी आए, अगर वो बिना मास्क का है तो आप उसको मास्क पहनाइए, उसको जागरूक कराइए। और जो टीकाकरण करने के लिए आए हैं, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नहीं आए हैं 44 साल से नीचे के लोग, तो उनको आप ये बार बार समझाइए कि ऑनलाइन के माध्यम से, और 1 तारीख के बाद आप लोगों की व्यवस्था है कि आप किसी भी समय आएंगे तो ऑन स्पॉट होगा। रजिस्टर में भी हम लोग ये चाहते हैं कि सभी प्रकार का डाटा हो, क्योंकि जो वर्ग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है उनको इतना तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करना नहीं आता है। तो अगर हम मैनुअल डाटा भी रखते हैं और उस पर चढ़ाते हुए कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें इस बात की जानकारी रहेगी कि किस पर्टिकुलर केस में और कौन से दिन में हमने, हमसे जाने अनजाने में ये गलती हुई है। और गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोग स्पेशली काम कर रहे हैं, सृष्टि के स्थित में हम टीकाकरण भी देख रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता भी रहेगी। अब गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण तो लग ही रहा है, साथ ही साथ उनको प्राथमिकता से सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और इन सब चीज़ों का जरूर है। और अभी कोविड-19 के संक्रमण के कारण बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों, या माता या पिता, बच्चों ने खो दिए हैं। तो इसके लिए बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चल रही है, जिसके माध्यम से 4,000 रुपया देना तो सुनिश्चित हुआ है प्रति माह। लेकिन ऐसी बच्चियों और बच्चों के लिए एजुकेशन को भी लेके सरकार के द्वारा कार्य किया गया है। लड़कियों की जो एजुकेशन है वो जो है कस्तूरबा विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। और जो लड़कियाँ अगर पढ़ना चाहते हैं तो बाल संरक्षण गृह के माध्यम से हो रहा है। साथ में इनको एजुकेशन में तो टैबलेट देने की व्यवस्था की जा रही है। और अगर इनकी शादी होती है लड़कियों की खासकर, तो 1,01,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।